शादी क्या बन जाए। तो बेटा एक काम करो, अपनी बहुरिया को जाए दो। काहे कि तो घर की इज्जत को बाजार में ले जाने का, खेलने का इनका तो शौक है, और वही घर की औ है तो बहन का ब्याह है, जाने दो, हक बनता है बेटा, समझो। बेटा अगर अपनी बहुरिया को नहीं जाने दोगे ना, तो फिर हमें और आईजी में का फर्क रह जाएगा बे। अब हम रिश्तेदारी नातेदारी समझते हैं, जानते हैं, निभाते हैं। प्रोफेसर साहब हमारा निश्चिंत होकर जाओ यार, हमारा बिटिया पहुंच जाएगी, जाएगी शादी में, जा दे बे। लेकिन हम आरुषि की शादी में नहीं जाएंगे। पापा आपने ये कैसे सोच लिया कि हम आएंगे? आप ही ने हमें सिखाया था ना कि शादी के बाद एक लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है। उसके ससुराल का मान अपमान उसका मान अपमान होता है। तो हम ऐसी जगह पर कैसे जा सकते हैं जहां उसके ससुराल का अपमान हुआ? नहीं पापा, हम नहीं आ सकते। क्या बोली? मतलब सोच समझ के बोल लियो। कोनो कोनो जो जबरदस्ती नहीं ना, यही लेकर एकदम एकदम सच बोलो, क्या बोलना चाहती हो? कृष्णा, तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम उस जगह जाएंगे जहां तुम्हारे जाने की मनाही है? हम तुम्हारी धर्म पत्नी हैं। हम कल भी तुमसे यही कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। मैं माफ कर दीजिएगा, हम आरुषि की शादी में बिना अपने परिवार के नहीं आ पाएंगे। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। घंटी लाल बजाना। अरे वाह, क्या बात कही है! अरे वाह, ए प्रतिज्ञा है अम्मा, ए बहूजी देखे। अरे यार, ये होती कायदे वाली बात है। अरे इसको कहते बीबी हो तो ऐसी हो, हैं? क्या अब बताओ, कहा गई थी? बे पगला गया सरवा, लाश शर्म धोए के सब पी गया है साले। अबे रासलीला करनी है ना, सीधे घुस जा अपने कोहबर कमरे में जाके हुआ कर, हिया ही नौटंकी ना कर। हरिया और सालन मारे दू जूता से हरिया। फिर बिका गया हमरा बाबा, वाह रे तिरिया चरित्र, वाह वाह। क्या पुष्पा रही अम्मा है? निका कहीं ना कहा चाहते हो, बताओ ना, साफ साफ बोलो। अब देखो सही बात तो ये है कि हम सबको मिलके प्रतिज्ञा से माफी मांगनी चाहिए।
यार यही यही बात के लिए का क्या कितना सताए यार हम सब बताओ हैं तो कौन गलत बात कह रहे हैं बताओ। अबे तुम ले लो जोरू से माफी और चाहो तो ये पैरवा भी चूम चाट लो अमर हो जाएगा कलंक ससुरा। न जा बोना ये कुत्ता हमारी डोल जा रहा है मरो साले ही बेहुदा। अरे जोन हमरे जैसा खुश नसीब होएगा और जोन की बीबी प्रतिज्ञा जैसी होगी तो कुछ भी कर सकता है यार। ए समझे शक्ति भाई। अरे यार तुम और वैसे भी हमारी बीबी इतनी प्यारी और खूबसूरत है कि का कहे मतलब सर तुमको आज बाहर घुमाया गया हाँ तुमको बहुत परेशान हैरान किया ना तुम्हारी सारी शिकायत दूर कर देते हैं चलो तुमको आज घुमाया गया। हाँ सही कहते लो चलो क्या लियो दादी भी हाँ कह रही है यार मतलब कहा चलो बात अच्छे से जान लो कि हम ये शादी नए होने देंगे और अगर तुमको ये शादी करवानी है ना तो उके पहले हमको शमशान घाट पहुंचाए के ना हमारा क्रियाकर्म कर देना है। देखो कोमल अब ये शादी तो नहीं रुक सकती और ना ही शादी कोई रुक सकता है समझी। अच्छा तुमको का हमारी बात मजाक लग रही है तुमको लगता है कि जो हम कह रहे हैं वो मजाक है का। हाँ हाँ अच्छा अभी दिखाते हैं तुमको। शादी कौन हाल में रुकने नहीं वाली है ना भी बताए थे तुमको भी बताए हम भी देखते कि शादी कैसे होती है। कुछ मदद कर दे कर रहे ना बताए देते कि हम अपनी जान दे देंगे लेकिन तू परिवार के सामने ना हाथ नहीं जोड़ेंगे जो उन हमारे बाबूजी की बेइज्जती की है। क्या हुआ लटका नहीं जा रहा कुछ मदद करें। अच्छा 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 सुनो सुनो हमारी बात सुनो रुको रुको एक काम करो बाहर जाओ और एक बड़ा वाला स्टूल लेके आओ टेबल छोटा है ना। गजब आदमी हो यार तुम तुम्हारी पत्नी फांसी लगाने जा रही और मरने जा रही और तुमको बस ये बात की चिंता है कि किसी तरह तुम्हारा पिंड आसानी से छूट जाए लेकिन बता रहे हैं कि हम इतनी आसानी से ना तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ेंगे। अरे मर के भी ना प्रेत बन के तुम्हारे सपने पे आएंगे बता रहे हैं हम नहीं मरने वाले जाओ। नौटंकी कहीं श्यामू बेटा आ गए तुम प्रतिज्ञा के ससुर ने क्या कहा। माँ प्रतिज्ञा कैसी है उसको कुछ कहा तो नहीं उन लोगों ने और आपके साथ कोई बुरा व्यवहार तो नहीं किया ना उन लोगों ने। नहीं नहीं हमारे साथ कोई गलत व्यवहार वहां पर नहीं हुआ है। बल्कि सज्जन सिंह ने तो हमारी बात समझने की कोशिश भी की और हमारी बात वो मान भी गए। अरे तुम झूठ बोल रहे हो हम अपने बाबूजी को ना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं वो अपनी बेइज्जती ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोमल तमीज से बात करो हमारा बेटा झूठ नहीं बोलता और फिर क्या जरूरत है ये झूठ बोलने की। माँ वो सज्जन सिंह तो प्रतिज्ञा को शादी में भेजने के लिए राजी भी हो गए थे पर प्रतिज्ञा ने ही आने से मना कर दिया। उसका कहना है कि वो ऐसे किसी भी फंक्शन में जाना पसंद नहीं करेगी जहां जहां उसके पति या फिर उसके ससुराल वालों को बुलाया ना गया हो। दीदी नहीं आएगी तो
इस शादी का भी कोई मतलब नहीं बनता। फिर तो हमें ये शादी भी नहीं करनी चाहिए। ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा। दीदी का होना जरूरी है। ऐसे कैसे हो सकता है कि दीदी ही ना हो? पापा, पापा आप दीदी से बात कीजिए ना प्लीज। आप दीदी को लेके आएंगे ना पापा? बचपन से लेके आज तक हमारे हर काम में दीदी की मौजूदगी रही है। तो फिर ये तो हमारी शादी है ना? आरुषि, पापा, नहीं पापा, हमसे नहीं होगा पापा। पापा प्लीज आप कुछ कीजिए ना। ऐसे कैसे हो सकता है पापा? नहीं पापा, प्रतिज्ञा बन जाए।